कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क। आप अब तक तैयार हुए कि नहीं हुआ सिमरन? राजवीर मैं तो कब से तैयार हो गई, बस इस पेन को तैयार करी थी, किसी को गिफ्ट में देना है। वजीरों को ही देना होगा ना, जब सब कुछ जानते हो तो पूछ क्यों रहे हो? जानते तो आप भी बहुत कुछ हो सिमरन, लेकिन अनजान बनने की गलती मत करो। देखो गलती तो तब होगी राजवीर जब मैं वजीरों को नहीं पढ़ाऊंगी। बिलीव मी राजवीर, वो स्टडीज में बहुत ब्रिलियंट है, और अगर उसे अच्छी एजुकेशन मिली तो वो बहुत अच्छा कर सकती है, सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि इस देश के लिए भी। तो मेरी भी एक बात अच्छे से सुन लो सिमरन, मैं ये चाहता हूँ कि आप बिना किसी मुश्किल के इस गांव की सरपंच बन जाए। पर जब से ये वजीरों बीच में आई है ना, तब से मन डर लगने लगा, इसलिए मैं यहाँ आपके सामने हाथ जोड़ के आपको कह रहा हूँ कि अपनी ये इज्जत छोड़ दो और अपने प्रचार में ध्यान दो। अगर ताऊ जी को इस बारे में कुछ भी पता चला तो ताऊ जी का भरोसा ही नहीं बल्कि वो खुद टूट जाएंगे। अरे उन्हें अपना बुढ़ापा आराम से काट लेने दो सिमरन। देखो ताऊ जी, ये बात हमारी बस से बाहर हो चुकी है। हमारी समझ में नहीं आ रहा ताऊ जी कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। इफ तो आपको ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताऊ जी। एक मिनट थोड़ा शांति रख, इतना हड़बड़ा मत, अरे पहले बात समझने दे मने। तू यू कहना चाह रहा है कि कोई अपने रणकपुर गांव में छोरियों की पढ़ाई करवा रहा है? गांव की छोरियों की बात तो मैंने ना बहरा, पर हमारी छोरी को कोई ना कोई पढ़ा रहा। अब वो जो भी है उसे ना आपकी हुक्म की परवाह है और ना आपकी। इससे पहले कि आप हमारे सर पर इल्जाम लगा दें, मैं आपको ये सब बता रहा हूं ताऊ जी। अरे बात तो तब खत्म होगी ना जब मैंने उस गुस्ताख का नाम पता चलेगा जो हमारे फैसले के खिलाफ जा रहा है। आखिर उसमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई? बस तू एक बार मैंने उसका नाम बता फिर मैं जानू और मेरा काम। मैंने पता होता ताऊ जी तो उसका नाम बता देता, छोरी ने साथ लेके यहां नहीं आता। बात तो तू ठीक कह रहे, पर नाम तो पता करना पड़ेगा ना उसका। यो तो आप ही कर सके हैं ताऊ जी, मारी बस की बात ना है। तारे खोपड़े में दिमाग ना है के? छोरी ने पूछ, अकल के अंधे खुद बता देवेगी कि कौन पढ़ा रहा है उसने। ना बोल रहा बेटा, कौन पढ़ा रहा थारे ने? अरे कुछ ना बताती है उसके बारे में, बहुत पक्का कर रखा है उसने इसको। वो जो भी सैद ताऊ जी बहुत चालाक से, तो सिमरन जी वजीरों से ऐसे बातें कर रही जैसे इसकी सगी बहन है, और आज इसने पहचान भी नहीं रही, क्या बात हो सके? देख रही है ना तू, तेरा किताब उठाना से तेरे बापू ने कितनी तकलीफ हो रही है, समझदारी का काम कर और चुपचाप मने यो बता दे उन पढ़ा रहा है तने। चल मने सिर्फ उसका नाम ही बता दे। बोल बोलना।
किसी भी बात को दिल पे लगाने की कोई जरूरत नहीं, जो हुआ उसे भूल जाओ। भूल जाओ? अरे इतनी बड़ी बात को कैसे भूल जाऊं राजवीर? अरे तुमने तो मुझे चुप करा ही दिया था। तुम कुछ क्यों नहीं बोले राजवीर? तुम तो पढ़े लिखे एजुकेटेड हो, तुम तो जानते हो आज के जमाने में एजुकेशन कितना जरूरी है, तो फिर तुम चुप क्यों रहे, कुछ बोला क्यों नहीं? आप समझ क्यों नहीं रहे हो सिमरन, जिस हालात में जिस सिचुएशन में हम खड़े हैं यहाँ पे एक एक कदम सावधानी से और एकदम सोच समझ के रखना होगा। वो तो अच्छा हुआ कि रज्जू ने आप पे ज्यादा ध्यान ना दिया, वरना पता नहीं वो क्या कर लेती। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। ताऊजी की तो है ना, तो फिर क्यों नहीं समझ रहे हो आप? तो शुक्र मनाओ कि एंड मौके पे मैंने आपको रोक लिया, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। अरे क्या हो जाता राजवीर, सबको मेरी सच्चाई पता चल जाती ना। अरे वो तो वैसे भी एक ना एक दिन पता लगने वाली है राजवीर, पर उसके लिए हम वजीरों की जिंदगी क्यों खराब कर रहे हैं? क्या चाहती वो तो सिर्फ पढ़ना चाहती है, क्या हम उसकी इतनी सी हेल्प नहीं कर सकते? देखो सिमरन, आप चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन यहाँ की जिंदगी आपने खुद चुनी। अच्छा भला सिंगापुर में थे, जहाँ छोरियों की पढ़ाई ने गलत नहीं समझा जाता। कितने खुश थे आप वहां। फिर आपको इस हरियाणवी चाट से प्यार हो। I love you. I love you. मैं इसलिए जानता था आपसे प्यार होते हुए भी वहां से आपका दिल तोड़ के वापस यहाँ चला है, और आप अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ चले। यो सब जानते हुए कि ताऊ जी को झूठ से सख्त नफरत थी, आपने झूठ बोल के हमारे साथ ब्याह करा, झूठ बोल के इस घर की बहू बनी। मैं यो भी कहूंगा कि पिछले एक साल से आपने बहुत कुछ सहा, बहुत बहुत कष्ट उठाए, और आपने यो भी साबित कर दिया कि हमारे लिए आपका प्यार एकदम सच्चा है। शायद इसीलिए मैं चुप रहा, अपने डर को हमेशा अपने अंदर ही दबा के रखा। शायद मैंने आप पे यकीन था, पर अब इस सिचुएशन में हर एक कदम सोच समझकर सावधानी से रखना होगा, क्योंकि आपकी एक बेवकूफी, आपकी एक गलती आपकी पूरी मेहनत में एक चुटकी एक मिनट में पानी फिरती, और वो भी किसके लिए? उस वजीरों के लिए, जिसको आप ठीक से जानते तक नहीं हो। आप ही बताओ कि आपको क्या हासिल हो जाए। ऐसा ये